क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखो देयर आर थ्री कॉइन्स, वन इज टू एडेड कॉइन। टू एडेड कॉइन का मतलब दोनों तरफ हेड है, फेक कॉइन है, उसको तो कैसे भी उछालो हेड ही आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। अच्छा, अनदर इज बायस्ड। बायस का मतलब है वो हेड या टेल आना इक्वली लाइकली नहीं है। उसमें नॉर्मल कॉइन में हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, उसमें नहीं है क्योंकि बायस्ड है। उसमें कुछ मेटल का ऐसा कुछ चक्कर किया होगा जिससे हेड ज्यादा आ रहा है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी उसमें दे रखी 75%, यानी कि 3/4। 75% मतलब 75/100, 3/4, चार में तीन बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा, ये बायस्ड। और एक है अनबायस्ड, एक नॉर्मल। तीन सिक्के हैं इस क्वेश्चन में, एक है फेक दोनों तरफ हेड है, एक है बायस्ड जिसमें कुछ गड़बड़ है, हेड टेल है तो दोनों तरफ पर हेड ज्यादा आता है, और तीसरा है नॉर्मल अनबायस्ड, मतलब नॉर्मल फेयर कॉइन है जो हम यूज करते हैं जिसमें हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। अब वो ये कहता है तीनों में से एक कॉइन को सिलेक्ट किया गया रैंडम में, उसको टॉस किया गया और उस पर हेड आया है, और प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये टू हेडेड कॉइन था। तीनों में से कोई बिना देखे एक कॉइन उठाया और छाल करके जब नीचे गिरा तब देखा उसने, तीनों कॉइन पड़े रैंडम में सिलेक्ट किया, उसने देखा नहीं, ऊपर उछाला नीचे देखा हेड। अब वो तो तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो टू हेडेड वाला था, एच वन वाला। हाँ, तो अब H1 अगर उसको H1 मानोगे तो H1 ना, तो यहाँ पे पहले तो आप हेड आया है ये दिया है तो ये तो होगा A। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टू हेडेड कॉइन था ये H1 इवेंट में, H1 H2 H3 यहाँ पे उनमें से कोई एक है तो H1 ही मान लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे, लेट H1 बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच वन, लेट एच टू बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बायस्ड कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टू। लेट एच थ्री बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फेयर कॉइन, अनबायस्ड भी बोलते थे फेयर बोलते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच थ्री। लेट ए बी द इवेंट ऑफ कॉइन शोज हेड, ये हो गया। वी हैव टू फाइंड आउट हेड आया है और वो टू हेडेड कॉइन में से आया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एच वन फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एच वन अपॉन, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एच वन, बोलो बोलो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एच टू, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एच थ्री, क्योंकि यहाँ पे तीन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस है, तीन सेकंड कोई सा हो सकता था। अब यहाँ पे कोई मुझे बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ एच वन क्या होगा, 1/3। तीन सिक्के हैं उनमें से एक सिक्के का सिलेक्ट होना, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 और ये भी। अब यहाँ पे ए बाई एच वन, शाबाश, ए बाई एच टू और ए बाई एच थ्री क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है। ए बाई एच थ्री का मतलब फेयर कॉइन पे हेड का आना, ए का मतलब हेड आना और एच थ्री का फेयर कॉइन, फेयर कॉइन पे हेड का आना, क्वेश्चन दिया नहीं है तो ये आपको पता होना चाहिए। फेयर कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अच्छा, बायस कॉइन पे हेड का आना ये दिया है, ये दिया है 75%। 75% को जब आप कन्वर्ट करोगे तो 3/4 आ जाएगा, 75/100। और ये वाला भी नहीं दिया है, टू हेडेड कॉइन पे हेड का आना। अब टू हेडेड कॉइन को तो कैसे भी चलो हेड ही आएगा, तो ये क्या 100%, वो जी बात हो गई, क्वेश्चन जानता है और सही होगा 100%। टू हेडेड कॉइन है तो हेड आएगा ही आएगा, 100% होगा कि नहीं हो गया, तो सिक्योरिटी क्या होगी, वन। सब कुछ है हमारे पास, फॉर्मूला भी है, एच वन बाई ये निकालना कि हेड तो आया है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि टू हेडेड वाला कॉइन था, तो टू हेडेड वाला कॉइन 1/3 इंटू वन, 1/3 इंटू वन प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। इस पूरे कैल्शियम ऊपर तो 1/3 आ रहा है, नीचे पूरे कैल्शियम आ रहा है 12, है ना, तो 4
थ्री और टू, ठीक है, वन बाई थ्री इंटू ट्वेल्व बाई कितना हो रहा है नाइन, तो आंसर आएगा फोर बाई नाइन। किसी को पूछ रहे हैं?